गाइस, वेलकम टू वन विजन केमिस्ट्री। सो हमने सेमीकंडक्टर्स के पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर लिया कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इंट्रेंसिक को एक्सट्रेंसिक से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एन को पी टाइप से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो आप देखते हैं कि इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। सो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसा हम जानते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स की प्योर फॉर्म होती है उसको हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, और जब इस सेमीकंडक्टर्स की प्योर फॉर्म में बाहर से कोई इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं तो जो फॉर्म बनती है, इम्प्योर फॉर्म बनती है, उसको हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। और तो इम्प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर्स की प्योर फॉर्म को हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे और इम्प्योर फॉर्म को हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स की प्योर फॉर्म है तो इसमें जो भी कंडक्टिविटी होती है वो उसकी इंटरनल इम्प्योरिटीज की वजह से होती है या इंटरनल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है। और हमें अगर हमें इम्प्योरिटीज को, मतलब कंडक्टिविटी को और इंक्रीज करना होता है तो हम हीट या टेम्परेचर देके उसके कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन जबकि एक्सट्रेंसिक में हमने इम्प्योरिटीज़ बाहर से ऐड करी है तो या तो हम इम्प्योरिटीज़ में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे। तो इस वजह से अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं पूरी सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल में, और अगर हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाते हैं पूरी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में। इस वजह से पूरी जो अगर हम एंटिटी को देखते हैं या सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को देखते हैं तो या तो होल्स ज़्यादा होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल नहीं होते हैं इसमें, और जबकि हमें पता है कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी जो भी होती है उसकी इंटरनल डिसऑर्डर्स की वजह से होती है, तो इस वजह से इसमें कंडक्टिविटी लो होती है, जबकि एक्सटेंसिक में कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि हमने बाहर से इम्प्योरिटीज ऐड की है। साथ ही इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं क्योंकि हम टेम्परेचर देख के कंडक्टिविटी या हीट देख के कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जबकि एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर पे तो डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर देख के हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हम ये इम्प्योरिटीज़ पे, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि जितनी इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करेंगे या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ अगर हम ऐड करते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, और अगर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये दोनों पर, टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज़ दोनों पर डिपेंड करती है, जबकि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो उनमें कोई इम्प्योरिटीज बाहर से हम ऐड नहीं करते, जबकि एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स में या तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं। आप देखते हैं हम एन टाइप और पी टाइप में डिफरेंस। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि एन टाइप है, नेगेटिव है, और हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करी है, तो इस वजह से इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि पी टाइप में हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, इस वजह से नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाते हैं। जबकि पूरी अगर सेमीकंडक्टर एंटिटी को देखें या क्रिस्टल को देखें तो वो एंटायरली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल होते हैं, और पी टाइप को देखें तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो इक्वल होते हैं, लेकिन पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाता है। एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं जबकि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। थैंक यू गाइस।